मरते दम तक एक लैंडमार्क फिल्म कहते हैं कि ये लैंडमार्क फिल्म है मेहुल जी की, जिसके बाद लोगों ने आपको काफ़ी सीरियसली लिया। गुजरात में एक कस्टम है कि मतलब आमने सामने मैरिज होता है, मतलब अगर मेरी सिस्टर के साथ आपकी शादी हुई तो आपकी सिस्टर के साथ मेरी शादी होगी, ऐसे आमने सामने का एक वो है। उस कस्टम को लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें कोई विलन नहीं था, एक रिच फैमिली एक गरीब फैमिली, तो वो भी सुपरहिट फिल्म हुई थी। उस फिल्म के बाद प्रांजी ने मेरे को बोला कि आप कोई हिंदी स्क्रिप्ट आपके पास है तो मैं प्रोड्यूस करूँगा और हम लोग हिंदी फिल्म बना सकते हैं आपके साथ। तो मैंने कहा कि राज साहब के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो पहले तो उन्होंने ना ही बोल दिया कि राजकुमार जी के साथ मैं ऑलरेडी दो बार मेरी फिल्में वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं और मैं तो राज जी के पास नहीं जा सकता हूँ। बोले अगर आप में हिम्मत है तो आप राज जी से बात कीजिए, अगर वो एग्री होते हैं तो मैं डेफिनेट फिल्म बनाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है मैं बात करूँगा राज जी। तो स्क्रिप्ट मरते दम तक मैंने पहली बार सोचा था कि राज साहब ने अपनी लाइफ में कभी डॉन का रोल प्ले नहीं किया, एंड अंडरवर्ल्ड उस टाइम पे मतलब बिगिनिंग थी और मतलब एकदम हाई पिच पे था, यहाँ पे इनकाउंटर होते थे आमने सामने सब, दो ग्रुप बॉम्बे के बने हुए थे। तो मैंने बोला क्यों ना अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बनाई जाए, जो अभी किसी ने भी मतलब उस टाइम अंडरवर्ल्ड पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फर्स्ट फिल्म अंडरवर्ल्ड पे मैंने बनाई थी, जिसमें विलन का नाम भी मैंने डीके रखा था जो आज लोग रखते हैं 30 साल के बाद। फिर मैंने राजी को स्क्रिप्ट दिया, तो पहले उन्होंने टाइटल पढ़ा मरते दम तक, तो बोलता टाइटल में तो दम है, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट भी राजी ऐसी आप पढ़ लीजिए नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला कि मैं एक वीक लूँगा, अगले संडे हम फिर यहाँ मिलेंगे, मैं फिल्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो अगले संडे डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट संडे में मिला एंड मैं जैसे गया तो उन्होंने सीधा बोला आई एम डूइंग योर फिल्म, ओके तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है एंड आई एम डूइंग योर फिल्म, प्रोड्यूसर कौन है? तो तब तक मैंने नाम नहीं बताया था प्रोड्यूसर का। तो मिला सर प्रोड्यूसर की दो फिल्में आप रिफ्यूज़ कर चुके हैं पहले। तो बोले कौन है? मैं बोला प्राण मेहता। तो बोला अच्छा मेहता साहब, तो ठीक है दो रिफ्यूज़ किया था ये हम करेंगे, करेंगे क्या बात है, उनको बुलाओ, बोलते हमारे साथ बाकी की बातें फाइनल करें। उसी तरह से मरते दम तक स्टार्ट हुई, 6 महीने में कंप्लीट हुई, रिलीज हुई एंड इट वाज सुपर डुपर हिट, उस टाइम की गोल्डन जुबली फिल्म। पहला शॉट था आपका मरते दम तक, आप टेक कर रहे थे, राजकुमार आपके सामने थे। हम लोग पहले दिन शूटिंग थे तो गोविंदा उस टाइम पे नया था, उसकी एक फिल्म प्राणलाल जी की लव 86 रिलीज हुई थी, शक्ति कपूर फरा ये सब थे। तो पहले दिन मैंने शूटिंग रखा था मर्ड आइलैंड पे नैयर बंगलो में, तो वहाँ पे हम लोग बता दें कि शक्ति कपूर को फरा आके राजी के पाँव में फेंकती है, राजी के पाँव का क्लोजअप था एकदम वाइट शूज उनके वो सब था। तो सब लोग परेशान थे, मेहुल भाई क्या डायलॉग थे, गोविंदा भी परेशान, शक्ति कपूर भी परेशान, फरा भी, हम लोग को डायलॉग मिला तुम लोग का किसी का कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ शक्ति कपूर को फरा आके फेंकती है और बाकी के सब लोग खड़े हैं और राज साहब का एक ही डायलॉग है ये मोरो चौट था। तो सब लोग खुश हो गए, अच्छा हुआ पहले दिन हमारे डायलॉग ही नहीं है। तो उसके बाद फिर मतलब राजी को मैंने बोला था राजी उधर हम लोग रखेंगे, बोलते मैं 11:30 बजे तक आ जाऊँगा नो प्रॉब्लम। तो हम लोग ने देखा तो 11 बजे एक टैक्सी आई और उस टैक्सी में से राज साहब उतरे, तो पूरे यूनिट को झटका लग गया, हंगामा हो गया, राज साहब टैक्सी में आए, राज साहब टैक्सी में आए। तो मैं खुद भी परेशान हुआ, मैंने टैक्सी में क्यों आए? तो ड्रामा ये हो रहा था कि वो टैक्सी वाला पैसे नहीं ले रहा था, बोलता है मेरी ज़िंदगी में मैं ये दिन भूल नहीं सकता हूँ कि राज साहब आप मेरी गाड़ी में बैठे, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। अरे भाई ले लो, बोलते उस टाइम पे तो क्या होता है 20-25 रुपया वहाँ तक का होता होगा, राज साहब उसको 100 रुपया दे रहे थे, वो ले नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से सब लोग समझाए और राज साहब ने उसको दिया, फिर ले लिया पैसा एंड वो गया। फिर उसके बाद मतलब मेरे को लगा कि देखिए आज कोई दूसरा आर्टिस्ट होता तो दूसरी गाड़ी मंगवाता या कुछ भी करता, जो भी करता, लेकिन वो टैक्सी करके फर्स्ट डे शूटिंग में आए। और उसके बाद और यादगार बात ये बनी कि फर्स्ट शॉट होने के बाद पहले मैंने जैसे उनको समझाया तो उन्होंने मेरे को पूरे यूनिट के सामने पूछा कि भाई ऐसा शॉट क्यों ले रहे हो कि सीधा मेरे पैरों का क्लोजअप है ना, शक्ति आके मेरे पाँव में गिरता है ना, फिर टिल्टअप होता है ना। तो मैंने राजी को समझाया, राजी देखिए इसके पहले जो सीन है उसकी कटिंग मैंने ऐसे लिया है कि शक्ति कपूर को फरा राइट ऑफ द फ्रेम खींचती है और इधर लेफ्ट ऑफ फ्रेम आके फेंकती है, मैंने तो कटिंग बहुत अच्छी बनती है। तो अच्छा अच्छा ठीक है चलो ओके करके फर्स्ट शॉट ओके हुआ। फिर मेरे को शूटिंग हम लोग ने वो सीन कंप्लीट किया, फिर मेरे को एहसान ने आके बोला कि राज साहब आपको बुला रहे हैं रूम में। तो मेरे को अच्छी तरह वो दिन याद है, उसके बाद हम लोग काफ़ी दोस्त भी बन गए। तो राज जी लंच ब्रेक था और मैं ऊपर रूम में मेरे को बुलाया और मेरे को बोले कि एकदम गले लगाया, बोलते कि देखो मेरी ये आदत है कि पहले दिन मैं यूनिट के सामने डायरेक्टर को कुछ भी घटिया सजेशन देता हूँ, अगर वो मेरा सजेशन मान लेता है तो पूरी फिल्म में अपने हिसाब से करवाता हूँ, अगर वो नहीं मानता है तो पूरी फिल्म में उसके हिसाब से करता।
तो अब बोलते ये फिल्म तुमने जैसे सोची है वैसे ही बनेगी, क्योंकि पूरे यूनिट के सामने फर्स्ट शॉट में तुमने मेरे को कन्विंस कर दिया, बोलते तो अभी जैसे तुम करोगे मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद हम लोग काफ़ी करीब आ गए, मतलब